दोस्तों, आज हम आपको हमारे भारत में ही मौजूद एक ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोग कुत्तों का मांस खाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस स्टेट में माता पिता अपनी बच्चियों को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भारत के पूर्व में स्थित इस राज्य में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा सब कुछ अलग है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य नागालैंड की। दोस्तों, खाने के मामले में ये राज्य चाइना की तरह अलग अलग जानवरों के मांस का उपयोग करता है। दोस्तों, नागालैंड की दीमापुर मार्केट में चाइना की तरह कुत्ते, मेंढक, चूहे, सांप, केकड़े, कबूतर, खरगोश और सबसे ज्यादा बतख का मीट खुलेआम बिकता है। नागालैंड की संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग कुत्तों का मांस खाना सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के छोर पर बसा हुआ खूबसूरत राज्य है। ये अपने आदिवासी कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के लोग नागालैंड की संस्कृति के हिसाब से चादर के रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 100 से ज्यादा अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं और इन सभी जनजातियों की भाषा एक दूसरे से अलग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही एयरपोर्ट है जो कि यहाँ पर दीमापुर शहर में बना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नागालैंड में मुद्रा के तौर पर हमारे भारतीय रुपयों का ही इस्तेमाल होता है। नागालैंड में 88% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 8.5% हिंदू लोग और 2.5% मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत के ज्यादातर लोग इसे पिछड़ा हुआ राज्य मानते हैं और सोचते हैं कि यहाँ के लोग जंगलों में शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की साक्षरता दर 80 से 85% है जो कि पूरे भारत के अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। लेकिन नागालैंड के 80% लोग खेती से जुड़े होने के बावजूद भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। नागालैंड की कुल आबादी 23 लाख के आसपास है। दोस्तों, पूरे भारत में नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है, जबकि यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, नागालैंड में हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हार्नेवल फेस्टिवल बड़े चाव से मनाया जाता है। और अगर आप नागालैंड की पूरी संस्कृति देखना चाहते हैं तो फिर इस फेस्टिवल से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य और सदियों पुरानी कहानियां सुनने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा आओ है और यहाँ पर रहने वाले 12% लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नागालैंड की बहुत सारी जनजाति के लोग अपने पांव में कड़े पहनते हैं और कहा जाता है इन लोगों को ऐसा करने से पेड़ पर चढ़ने में आसानी होती है। नागालैंड में रहने वाली कुछ जनजातियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, इसलिए नागालैंड के कुछ इलाकों में घूमने जाने से पहले आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नागालैंड के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पर सर्दियों में तापमान 4 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत कम पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर गर्मी पड़ती भी है तो वो ना के बराबर होती है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा इसी की राजधानी है और यह नागालैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। नागालैंड की 10% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। नागालैंड में सबसे अधिक मात्रा में कोयला, चूने का पत्थर, निकल, आयरन और संगमरमर पाया जाता है। नागालैंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर जाने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ILP है तो आप नागालैंड घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही है, इसलिए यहाँ के नागरिक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।